बना रहे हैं आप? आलू गट्टा का चावल, आलू गट्टे का चावल। कौन बोला है बनाने? आलू से सोना राधे। आज बच्चों की फरमाइश पे आज बच्चों की फरमाइश में गट्टा का चावल बन रहा है। ये स्पेशलिटी है, ये मिक्की दीदी की स्पेशलिटी मम्मी है। जी बनाते हैं पर उनका हाँ तो अलग ही टेस्ट आता है, तो हाँ हाँ हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, बच्चे लोगों को पसंद है तो। तो मिक्की दीदी की सासू जी है, ये उनकी रेसिपी है। अब मिक्की दीदी सीख गई है और ये इनके बच्चों का फेवरेट है। तो देखिए यहाँ पे बन रहा है गट्टे, और इसको गट्टे को इसमें गोल गोल बनाया है ना, गोल गोल बना के इसको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे ये राइस भिगा हुआ है, और इसमें क्या डालोगे? और कुछ? आलू काफी डालेंगे। आलू। चलिए बनेगा फिर आपको दिखाते हैं। आज की प्लेट में है गट्टा पुलाव। जैसे हम गट्टे की सब्जी बनाते हैं वैसे ही गट्टे बनते हैं, इन गट्टों को गोल गोल बनाते हैं एंड देन इसे पुलाव में डाला जाता है। तो ये जो गट्टा होता है बेसन का बनता है, और इसे आप पुलाव में डाल दीजिए तो ये बन जाता है गट्टा पुलाव। अब गट्टे के साथ आप इसमें आलू, गाजर, मटर कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, बट मिकी दीदी ने इसमें सिर्फ आलू और गट्टे डाले हैं। इसके साथ खाते हैं हम कढ़ी। तो ये एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी डिश है, इसको गट्टा पुलाव भी बोलते हैं या तो राम खिचड़ी भी बोलते हैं। तो इसके साथ हम खाते हैं कढ़ी। ये कढ़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये कॉम्बिनेशन है। और ये है पापड़। तो आज की प्लेट में है पुलाव, कढ़ी एंड पापड़। आज प्लेट में क्या है, क्या खा रहे हैं आप लोग? हम खा रहे हैं आलू गट्टा का पुलाव। किसकी फरमाइश पे? सोना की सोना। फरमाइश पे। सोना, आपको अच्छा लगता है ये? हाँ हम मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है, मम्मी भी अच्छा बनाती है, तो इतने दिनों से नहीं खाए तो मैंने मांगा आज। वेरी गुड, अच्छा लगा, मम्मी अच्छा बनाई है। हाँ तो सब आज खा रहे हैं गट्टा का पुलाव।